इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आपका स्वागत है इस फ्रेश वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉमस वार्ट और अर्ल ऑफ सरे जो इंग्लिश ब्लैंक वर्स और सोनेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो इनके इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज को आप पूरा देखिए इसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की सभी मेजर टॉपिक्स को हम वन बाई वन वीडियो में कवर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो थॉमस वॉट की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन फिफ्टीन जीरो का इंग्लिश uh, पॉलिटिशियन थे और लिरिक पोइट्री भी इन्होंने काफी लिखी है ठीक है इनको क्रेडिट किया जाता है सोनेट को इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है सोनेट फॉर्म है जो पोइट्री की एक फॉर्म है उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे इनका जो वर्क है या पोइट्री या प्रोज वर्क के लिए जाने नहीं जाते हैं इनके जो फैक्ट हैं स्पेशली इन्होंने सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था दैट्स इज़ इज रिमेंबर्ड इन एग्जाम ठीक है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनको इसलिए क्रेडिट दिया जाता है इसलिए इनको पहचान मिली थी क्योंकि इन्होंने जो इटालियन सोनेट स्टाइल थी इंग्लिश सोनेट स्टाइल थी वो जो सोनेट स्टाइल थी उसको इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में ठीक है इनके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें तो सी एस लुइस ने इनको बोला है द फादर ऑफ द ड्राइवेज तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि किसने थॉमस वार्ट को फादर ऑफ द ड्राइवेज बोला है तो इट वॉज सी एस लुइस सी एस लुइस ने इन्हें फादर ऑफ द ड्राइवेज बोला है ठीक है इसके बाद बात करें पैट्रीसी थॉमसन डिस्क्राइब वॉट एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बिकॉज ही इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लिश ओके सो यू आर सपोज टू रिमेंबर दैट पैट्रीसिया थॉम्पन कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री दिज आर दैक्ट्री और सपोज टू राइट डाउन ओके इन्होंने सोनेट स्टाइल को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था ठीक है इटालियन सोनेट स्टाइल पढ़ी थी इन्होंने रोमन और जो ग्रीक uh, स्टाइल थी उनको स्टडी करने के बाद लिटरेचर में जो सोनेट स्टाइल थी उनको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय इनको दिया जाता है इंट्रोड्यूस टर्जा रिमा इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इंट्रोड्यूस टर्जा इन इंग्लिश लिटरेचर सो इट वाज़ थॉमस वॉट हु इन इंग्लिश लिटरेचर सो so ये एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है टर्जा को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वाट ने और इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में ठीक है ट्रांसलेटेड एंड इमिटेटेड पेट्रार्कन सोनेट पेट्रार्कन जो इटालियन सोनेट की एक फॉर्म है उस सोनेट फॉर्म को इन्होंने ट्रांसलेट ट्रांसलेट किया था और फिर इमिटेट किया था मतलब उसकी कॉपी करने की कोशिश की थी अच्छा इसकी राइम स्कीम क्या होती है ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई कई बार ये राइम स्कीम पूछ ली जाती है कि राइम स्कीम क्या है सोनेट की सो यू ऑल आर सपोज टू रिमेंबर द राइम स्कीम ऑफ राइम स्कीम ऑफ सोनेट इस सोनेट की ठीक है नाइन्टी सिक्स लव पोएम्स अब पोस्ट मसली इन टोटल्स मिसैनरी फिफ्टीन फिफ्टी सेवन इन टोटल्स मिसैनरी एक वर्क पब्लिश हुआ था फिफ्टीन फिफ्टी सेवन में जिसमें थॉमस वाइट की नाइन्टी सिक्स पोएम थी एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो इनकी प्रोज या पोइट्री की वर्क हैं स्पेशली पोइट थे तो उन जो पोइट्री लिखी है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ ये दो तीन क्वेश्चन होते हैं कि इन आ, किसने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट स्टाइल को इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में तो ये थॉमस वॉर्ड थे और दूसरा किसने इंट्रोड्यूस किया था टर्जाइमा को तो ये थॉमस वॉर्ड थे इन्होंने टर्जर एम स्टाइल को भी इंट्रोड्यूस किया था इसके बाद दो लोगों ने जो इनके बारे में बोला एक ने फादर ऑफ ड्रैब बोला इनको

A uh, poet with Thomas Watt, introduced into English the style and meter of Italian humanist. पोइट एंड सो लेट दैट द फाउंडेशन ऑफ ए ग्रेट एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री थॉमस वर्ट ऑफ अर्ल ऑफ सरे दोनों मिलकर काम करते थे और इनको ही इंग्लिश पोइट्री की फाउंडेशन डालने के लिए श्रेय दिया जाता है ठीक है इन दोनों ने इंग्लिश पोइट्री को आगे बढ़ाया है इन दोनों के बाद से इंग्लिश पोइट्री फली फूली हम बोल सकते हैं तो इनके बारे में भी कुछ फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं ठीक है uh, सरे ट्रांसलेटेड ऑफ बुक सेकेंड एंड फोर्थ ऑफ द एनेट एन की बुक सेकेंड ऑफ उन्होंने ट्रांसलेट किया था पब्लिश इन फिफ्टीन फिफ्टी सेवन सर्टेन बुक्स ऑफ वर्जाइल्स एनाइस वॉज द फर्स्ट यूज इन इंग्लिश ऑफ ब्लैंक वर्स स्टाइल एडॉप्टेड फ्रॉम इटालियन वर्स ठीक है ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था जैसे अभी थॉमस वार्ट का बताया था कि उन्होंने इंग्लिश स्टाइल में इंट्रोड्यूस किया था सोनेट सिस्टम को और टर्जर आइमा को सिमिलर वे में हेनरी हवार्ट अर्ल ऑफ सरी को जाना जाता है कि इन्होंने ब्लैंक वर्क को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में ठीक है तो ये फैक्ट काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाता रहेगा इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है फैक्ट याद रखना है कि इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर ओके अर्ल ऑफ सरी हेनरी हवार्ड ठीक है इस पोएम सपेयर फिफ्टीन फिफ्टी सेवन अलॉन्ग विद वर्ड्स इन टोटल्स मिसैनली टोटल्स मिसैंड फिफ्टीन सेवन में जो पब्लिश हुई थी उसमें इन्होंने इनकी पोएम पब्लिश हुई थी लेकिन फिर एक बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ये दोनों राइटर दोनों पोइट सिर्फ इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इन्होंने कुछ नया कर, किया इंग्लिश लिटरेचर में इनके जो वर्क हैं वो पॉपुलर नहीं है ठीक है हरल सरे ने ब्लैंक वर्क को इंट्रोड्यूस किया इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया ठीक है इनकी एक पोयम है एक वर्क है सर्टेन बुक्स ऑफ वर्ग इज टर्न इंटू इंग्लिश मीटर ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है आप चाहें तो इसका टाइटल याद रख सकते हैं बाकी ये जो फैक्ट हैं वो आपको बाकी जो मैंने अभी बताया वो तो आपको याद रखनी चाहिए ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले राइटर्स को कवर करेंगे तो रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर प्रिपरेशन करने वाले कंपटिटिव एस्पिरेंट हो थैंक यू